आप अवतार सिंह? हाँ, अवतार सिंह, अवतार सिंह। आप ही शिकारी बाबू हैं? हाँ, मैं शिकारी बाबू। शिकारी बाबू आ गए, शिकारी बाबू आ गए, फकीर बाबा ने हमारी सुन ली। थके हुए हैं, आराम करने दो माँ। तुम चलो, मैं सब समझा दूंगा तकलीफ क्या है। बाबू, ये चंदनपुर हमेशा कमन का गांव रहा है। यहां पहले कभी कोई मुसीबत नहीं आई। लोग साल में एक मर्तबा तिजारत के सिलसिले में बाहर जाते थे, अपनी रोजी कमा के लाते थे, पर अब तो लगता है जैसे जैसे आसमान से नागानी आफत आ गई हो। वो बुढ़िया देखी आपने, कैसे फूट फूट के रो रही थी। उसका जवान बेटा मर गया, वो दूसरी जवान लड़की देखी, उसका शौहर मर गया। किसी का बेटा, किसी का भाई, हर घर में एक मातम छाया बाबू। ऐसा लगता है जैसे जैसे आसमान से मौत और आफत की नागहानी बारिश हो रही हो। क्या हुआ, वजह क्या है बाबू? एक आदमखोर शेर आया हुआ है। शेर? हाँ बाबू, चंद महीने से इस गांव में एक शेर आया हुआ है जिसने कयामत मचा रखी है। सभी मुझसे मदद मांगते हैं, मगर मैं बूढ़ा ज़ईफ किसी की क्या मदद कर सकता हूं। ये आवाज कैसी? ये नकारों की आवाज है बाबू। आपके आने की दूसरे गांव में खबर की जा रही है। यह हमारे गांव का तरीका है। आप आराम कीजिए, मैं आपके खाने का इंतजाम करता हूं। लेकिन बाबा, ये लोग तो नगाड़ा बजाते ही जा रहे हैं। बेटा नट्टू, तू भाग ले यहां से, वरना करने कुछ आया है किसी और काम में फंस जाएगा। भाग ले। आइए, आप भी विराजमान हैं यहां। जाओ भैया, गांव वाले नगाड़ा बजा रहे हैं, जाके उनकी मदद करो। एक बात बताइए आप मुझे, आप हैं किस मर्ज की दवा? घर में बांसुरी बजा के भाभी मां को बेवकूफ बना रखा है, यहां बच्चा बन के गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं? अरे यही से कुछ नहीं चलने वाला, कुछ करके दिखाइए। बात करते हैं, ये शेर मारना मेरा काम है, और अगर है भी तो मैं क्यों मारूं? अरे भाई, कोई स्मगलर हो, कोई मवाली हो, कोई गैंगस्टर हो तो उसे मैं यूं यूं सफाया कर दूं, लेकिन शेर क्यों भाई, शेर क्यों मारूं? नहीं नहीं नहीं, शेर वेर मैं नहीं मारने वाला। मैं तो जा रहा हूं, और एक बात बताऊं, अगर तो आप में कोई चमत्कार है तो इस फ्रेम से बाहर निकल कर दिखाइए, वरना आप भी खिसक लीजिए यहां से। मैं तो यहां से खिसकने का इंतजाम कर रहा हूं। अबे बस करना, मरवाएगा क्या, बजाए चले जा रहा है। मैं निकलूं तो किधर से निकलूं, चारों तरफ तो भूल भुलैया है। एक कमबख्त विक्रम को भी यही जगह ढूंढनी थी। अरे पेरिस जाता, लंदन जाता, यहां आ गया कमबख्त। यहां क्या मिलने वाला है? कौन? कहां? अबे अबे भाग ले नट्टू, भाग! Thank you.
पैसा ले कहां जा रहा था? बाबू, 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 ये पहली बार है आज गांव में शेर आया किसी को लिए बगैर ही चला गया। बाबू तुम इंसान नहीं, इस गांव के लिए मुसीहा बनकर आए। इस गांव के बेसहारा गरीबों को छोड़कर मैं चला बाबू। बाबा, मैं हूं ना यहां पर, तुम फिक्र क्यों करते हो? मैं हूं ना। आओ चलो, चलो भाई। निकी साहब ने अच्छा आदमी चुना है, देखें अब ये क्या करता है। यार यही रुक जाते हैं, आज हो गई 8, 10 को विक्रम मिलेगा, उसे खत्म करके ये सबको बोल दूंगा, वो इस शेर से निपट लेंगे, बस हो गई बात। बाबू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन जरा ध्यान रखना, ये शेर होता बड़ा आशिक मिजाज है, खूबसूरत बदन की महक लग जाए तो फिर पीछा नहीं छोड़ता। अरे घबराती क्यों, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक अवतार सिंह यहाँ है तब तक मजा ले कि शेर तुम्हारे पास आ सके। हाँ अरे बाबूजी, वो बेचारा तो गूंगा है, अपनी खुशी बता रहा है। गूंगा है? हाँ, पहाड़ी के पीछे 2-4 घरों का गांव है ना। हाँ। वहीं रहता था, शेर ने जब उस गांव को उजाड़ दिया तो हम ही लोगों ने इसको सहारा दिया। निशाना अच्छा इसका। अवतार सिंह, लेकिन ये अवतार सिंह तो मेरे ही हाथों मारा गया था, ये उसका अवतार लेके कौन आ गया? लेकिन विक्रम साहब, उसने अपना नाम अवतार सिंह ही बताया है। सिंबो, जाके मालूम तो करो कौन है ये। अजीब जगह चुनी है तुमने भी, जंगल बियाबान, ना आदमी है ना आदमी की जा। हाँ आदमी तो है, इधर से क्या नो एंट्री है? अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, हम उधर से चले जाते हैं। हाँ। क्या बात है भाई? भाई वाह, अरे भाई पहले जान पहचान करो, सलाम दुआ करो, दोस्ती करो, दुश्मनी करो, फिर मारा मारी करो तो कोई बात भी है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि जहां किसी को देखा उठा के गधे की तरह लात मार दिया। अरे भाई मैं तो अरे 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 बाप रे, ये किधर आ गया मैं, ये किधर आ गया? अबे 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 क्या कर दिया? अबे अबे साले गिरता मैं, अरे 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 अबे अबे पढ़ा लिखा ही नहीं। ओ भाई मेरे, अबे पढ़ा लिखा नहीं तो कम से कम स्कूल के सामने से तो गुजरा होगा। अरे 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 ओए हाय हाय रे, नहीं गुजरा, गुजरा ही नहीं, गुजरा ही नहीं। उरे एक मिनट, हाइंक्स 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 हुए हाय हाय भाई साहब, भाई साहब इधर 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 देखिए इधर। हाँ आप आदमी हैं कि क्या है? अरे भाई गिर नहीं सकते तो कम से कम हिल तो जाइए। हाय अरे मैं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया क्या? फिर पेड़ नहीं, देखो 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 देखो। अरे पहलवान जी आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? हाँ बोल कौन है तू? अरे भाई साहब सर आसमान में अटका है, शरीर हवा में लटका है,
तो मेरा नाम पूछ रहे हो, मुझे तो अपना एड्रेस भी नहीं मालूम। जरा छोड़िए ना। हाय हाय अब बोलो। क्या बोला? कौन हो तुम? अरे तुम कौन होते पूछने वाले? भाई मैंने तुमसे पूछा कि तुम इतने भयानक बदसूरत बदशकल क्यों हो, या तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप का क्या नाम है, तुम्हारा बाप था कि नहीं था, अगर था तो क्यों था, और अगर नहीं था तो फिर तुम कहां से, यानी ये सब बातें तो पूछनी पड़ती ना। देखा मैं आपको समझा रहा था ना कि आपको लग जाएगी। ए भाई ए ए आराम से, देखो ऐसी कोई दुश्मनी नहीं हमारी आपकी, वो क्या है कि हाँ अब आइए आइए आइए, देखिए मार दूंगा मैं मार दूंगा। अरे ये तो टूट गया, ये इतना लंबा था हाफ टूट गया। काफी सॉलिड मामला है आपका तो। मेरे ख्याल में अब मुझे अपनी बेहतरी के लिए यहां से भाग लेना चाहिए। भाग ले। रुक जा इधर दल दल उधर थल थल। बचाओ बचाओ। हाँ गिर गया ना अंदर। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। क्यों बाहर निकालो भाई, तू बाहर निकल के फिर मेरा नाम पूछेगा? नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा मेरे बाप। और कहीं पूछ लिया तो फिर से उठा के अंदर फेंक देना। हाँ फिर से उठा के फेंक उठा के। अबे इस हाथी की औलाद को मेरा बाप उठाएगा? ठहर जा इंतजाम करता हूँ। जल्दी करो। अच्छा हाँ ये ले पकड़ जोर से। आजा टूट गया इस आदमी की बुलडोजर। ठहर जा दूसरी मजबूत वाली लाता हूँ। ठहर जा अब मुझे बचाओ। बचाओ ये तो कुछ ज्यादा ही मजबूत लगता है। ये लेता शाबाश। हाँ ये ले। अरे किधर गया? ओ पहलवान जी लगता घुस गया साले। हाँ मखा कपड़े खराब कर दिए साले ने। तो ये रास्ता सरहद की तरफ जाता है।